आज का ये जो चल रहा है कोरोना डिजीज, ये कोरोना डिजीज के बारे में मैं आज आप लोगों को बताना चाहूंगा। पहले तो मैं अपना परिचय दे दूं कि मैं डॉक्टर ब्रजेश कुमार सिंह, अतिथि प्राध्यापक SNS RKS कॉलेज सहरसा में पदस्थापित हूँ बीएन मंडल यूनिवर्सिटी के अंतर्गत। मैं आज का यह पाठ आप लोगों को पढ़ाना चाहूंगा और इंटरनेट के माध्यम से मैं अपने महाविद्यालय के छात्रों को भी यह भेजूंगा कि घर बैठे वो स्टडी कर सके। एक्चुअली कोरोना वायरस जो है यह कोई नया नहीं है, है बहुत पुराना, लेकिन पहले यह रोग फैलती नहीं थी क्योंकि इसका रोग का प्रकोप हमारे एरिया में नहीं आया था और आजकल हमारे एरिया में भी आ गया। यह काफी दुखद है। तो मैं बताना चाहूंगा एट फर्स्ट कि वायरस क्या है। वायरस है ए लिविंग थिंग टू स्मॉल टू बी सीन विदाउट ए स्पेशल इंस्ट्रूमेंट एज लाइक माइक्रोस्कोप दैट कॉजेज डिजीज इन पीपुल एनिमल एंड प्लांट इज कॉल्ड वायरस। मनुष्यों, पशुओं और पौधों में रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म विषाक्त जीवाणु वायरस कहलाते हैं। ठीक है, अब है कि वायरस वायरस तो कई तरह के होते हैं, बट कोरोना वायरस क्या है? तो कोरोना वायरस जो है यह लेटिन शब्द कोरोना से आया है, इसका नाम, जिसका अर्थ होता है ताज या प्रभा मंडल। जिस ताज और प्रभा मंडल का नाम उनकी संरचना में एक नुकीले ताज के तरह रहने के कारण उसका नाम रखा गया है कोरोना। ठीक है, तो लोगों में मौसम के बदलाव के समय सर्दी जुकाम होना आम बात समझी जाती है, लेकिन यह सर्दी और जुकाम वायरस से होता है, ये आप लोग सभी शायद जान रहे होंगे। वायरस राइनो वायरस, ज्यादातर सर्दी और जुकाम राइनो वायरस के कारण होता है। 75% पीपुल में सर्दी और जुकाम राइनो वायरस के कारण होता है और 25% पीपुल में यह जुकाम कोरोना वायरस से होता है। जब राइनो वायरस से होता है तो वह इजीली ठीक हो जाता है, मौसम के बदलाव के कारण होता है, लेकिन जब कोरोना वायरस के कारण होता है तो क्या होता है कि एक संक्रमित व्यक्ति, सर्दी में क्या लक्षण है तो खांसना, छींकना, नाक से पानी आना, बुखार आना, श्वसन नलिका में तनाव आना, म्यूकस में जो है सो दर्द, पेन वगैरह भी होती है। तो संक्रमित व्यक्ति जब छींक देगा और वहां पर स्वस्थ मनुष्य रहेंगे तो उनके नाक के माध्यम से, श्वसन तंत्र के माध्यम से यह उनके फेफड़े में भी चली जाती है और वह भी कोरोना वायरस से ग्रसित हो जाते हैं। तो इस रोग का अभी वर्तमान में कोई भी सटीक दवा और टीका नहीं बना है। ठीक है, लेकिन इससे बचाव करने से हम इसमें बच सकते हैं, घबराने की आवश्यकता नहीं है, इसमें बचा जाना बहुत ही आसान है। जैसे कोई संक्रमित व्यक्ति हमारे पास आते हैं तो उससे हमको दूरी बनाकर रखना है, 4 मीटर की दूरी, 5 मीटर, जितनी भी अधिक दूरी हो सके। अपने नाक में नोजल मास्क लगाना है, उसके बाद हर समय हाथ को हैंड वॉश से साफ करना है और अच्छे से स्वस्थ हवाओं के बीच अच्छे से रहना है, गुजरना है, और खास करके जुकाम पीड़ित लोगों से बचना है। यह रोग जो है मेनली मौसम के बदलाव के समय ही में ही होता है, जिस तरह अधिकतर सर्दियों के समय में ही होता है। आप सभी जानते होंगे कि सर्दी के समय में जुकाम होना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन यह कोरोना वायरस से जुकाम होना बहुत ही खतरनाक बात है। लेकिन इसके लिए घबराने की आवश्यकता नहीं, हम सबों को आवश्यकता है सचेत रहें और सेफ रहें। धन्यवाद, आज के लिए इतनी ही बात, आगे फिर मैं आऊंगा क्लास के लिए तो फिर बताऊंगा। और यह मैं YouTube चैनल पर इसलिए भी डाल रहा हूँ कि हमारे महाविद्यालय के बच्चों के अलावे भी जो होंगे वो आज का यह स्पेशल चैप्टर हमारा अध्ययन करेंगे। हम यह अनुभव शेयर कर रहे हैं कुछ किताबों से, कुछ इंटरनेट के माध्यम से, कुछ लोगों के माध्यम से, कुछ TV चैनल में देखे गए अनुसार आप लोगों को सुझाव और सलाह के रूप में दे रहा हूँ। धन्यवाद।